सिर्फ चंदा इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं? चलो चंदा सुनो, इकट्ठा करना, चंदे से मतलब ये नहीं कि वो चांद की बात कर रहे हैं ये, चंदा इकट्ठा मतलब ये है कि चलो पैसे इकट्ठे करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने काम खुद करने पड़ते हैं, दोस्तों में ऐसा होता है पार्टी करने जाते हैं तो खुद से पार्टी पैसे इकट्ठे करते हैं, तो चंदा इकट्ठा करने बोलते हैं हम लोग चिप इन। आप बोल सकते हो चलो चंदा इकट्ठा करते हैं, लेट्स चिप इन, मतलब आपस में कलेक्शन करते हैं और काम करते हैं। कभी आपने कभी भंडारा करवाया होगा या कहीं पे हम लोग कोई रिलीजियस प्रोग्राम करवाते हैं तो आपस के सभी बस्ती मोहल्ले वाले लोग पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं लेट्स चिप इन ऑल टुगेदर। या आप बोल सकते हो गो डच, गो डच स्पेशली पार्टीज के लिए प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप कोई पार्टी पार्टी चल रही है, उस पार्टी में लोगों के पास पैसे कम पड़ गए तो चार दोस्तों के बीच में जो कुछ भी बचा हुआ था पैसा, जैसे पर चलो भाई तू 20 रुपये दे, 50 रुपये तू दे, 100 रुपये तू दे, तो जो अमाउंट एक साथ कलेक्ट करके किया गया उसे बोलते हैं लेट्स गो डच। जैसे लास्ट नाइट पार्टी आई हैड टू गो डच, मुझे वहाँ गो डच करना पड़ा, मतलब वहाँ पर मुझे पैसा इकट्ठा करना पड़ा, चंदा करना पड़ा, तो गो डच। या बोल सकते हो चिप इन। आपने मेरी सलाह का गलत मतलब निकाला। हाँ, आपने सलाह का गलत मतलब निकाला, इसका मतलब बोलते हैं यू टुक माई एडवाइस अमिस, यू टुक माई एडवाइस अमिस। अमिस मतलब होता है किसी बात को कहना कुछ और चाहते थे और कह कुछ और दिया, तो अमिस। जैसे मैंने कुछ और बोल दिया, आई स्पोक अमिस, शी टुक माई एडवाइस अमिस, ही टुक माई एडवाइस अमिस, मतलब उसने मेरी एडवाइस को गलत मतलब निकाला, गलत सेंस लिया उसको, कहना कुछ और था, करना कुछ और था, एंड ही आई डिड अमिस। ऐसा भी यूज कर सकते हैं अमिस पढ़ का। आपके बाल उलझे हुए हैं। आपके बाल उलझे हुए हैं, तो हेयर है तो बाल बहुत सारे, तो हेयर आर नहीं बोलते हम, हेयर इज बोलते हैं, तो योर हेयर इज टेंगल्ड, वर्ड यूज करते हैं टेंगल्ड उलझे होने के लिए। आपको सांप सूंघ गया, इसको कैसे बोलेंगे? हाँ, आपने अक्सर लोगों सुना होगा, पर तू ये सांप सूंघ गया है क्या, जब किसी व्यक्ति को आप प्रूफ दिखा देते हो उसकी करनी का, तो आप बोल सकते हो, अब कहते हैं मुंह में दही जम गया, सांप सूंघ गया है तुझे, तो आप बोल सकते हो हैज द कैट गॉट योर टंग, हैज अ कैट गॉट योर टंग। आपके घर में आपका भाई या आपकी बहन या कोई आपका पड़ोसी या आपका दोस्त, मान लीजिए आपका दोस्त स्मोक करता है, आपने उसकी मम्मी से कंप्लेन कर, मम आंटी ये स्मोक करता है, सिगरेट पीता है ये, लेकिन आंटी ने माना नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, और दोस्त ने कह दिया मम्मी ये मेरी बढ़ाता रहता है हमेशा, लेकिन एक दिन क्या किया आपने उसका फोटो खींच लिया और फिर घर पर जाकर बोला आपने उससे उस मम्मी से आंटी स्मोक करता है ये, पूछे उसके सामने, उन्हें भी नहीं पीता, पहले झूठ बोल रहा था, अरे बेटा नहीं पीता मेरा बेटा ऐसा नहीं है, आपने दिखाया फोटो, देखो आंटी ये फोटो लिया मैंने इसका लाइव, अब बोल अब बोल, तो आप बोल सकती हो, तो आप बोल सकते हो हैज द कैट गॉट योर टंग, अब कहते मुंह बंद हो गया, मुंह में मतलब दही जम गया तेरे, अब कहते सांप सूंघ गया क्या, हैज द कैट गॉट योर टंग, ऐसे आप यूज कर सकते हो। इंग्लिश सीखने को वेस्ट योर लर्निंग इंग्लिश, थैंक यू।